हे एवरीवन, सो इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। सो अपना बेसिक टास्क क्या रहेगा, चेक वेदर फाइल एग्जिस्ट और नॉट। इफ एग्जिस्ट देन राइट द डाटा इन द फाइल, एंड इफ डजेंट एग्जिस्ट देन प्रिंट एरर मैसेज। ओके, तो से ये अपना सिंपल सा टास्क है। तो इस टास्क को अचीव करने के लिए हमें एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, OS मॉड्यूल। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि चेक वेदर फाइल एग्जिस्ट और नॉट, तो OS मॉड्यूल के अंदर एक पाथ नाम का पैकेज होता है। उस पैकेज के अंदर एक फाइल इज फाइल नाम का फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन यूज होता है ये देखने के लिए कि हमारे पास वो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उसके आर्ग्यूमेंट में हम फाइल का नेम पास करेंगे एंड वो ट्रू और फॉल्स के रूप में हमारे पास आउटपुट देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर रहा हूँ OS मॉड्यूल एंड यूज़र से पूछेंगे हम फाइल का नेम। इनपुट फंक्शन के थ्रू मैं यूज़र से आउटपुट लूँगा, इनपुट लूँगा, एंटर दो फाइल नेम। ओके, यूज़र यहाँ पे इनपुट देगा एंड अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इफ़ कंडीशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं लिखूँगा इफ़ OS डॉट, OS के पास है पाथ नाम का पैकेज, उसके पास है इस फाइल नाम का फंक्शन जिसके अंदर हमें पास करना है फाइल का नेम। अब ये चेक करके देगा हमारे पास वो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। इफ एग्जिस्ट मतलब अगर इसका आउटपुट हमारे पास, अगर इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आता है तो इफ ब्लॉक चलेगा। तो अगर एग्जिस्ट करती है, हमें फाइल में डाटा लिखना है। फाइल में डाटा लिखने के लिए हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो ये है फाइल का नेम, कॉमा मॉड बताएंगे हम। मॉड रहेगा अपने पास W। इसके बाद राइट करेंगे हम डाटा एफ डॉट राइट से, दिस इज अ प्रोग्राम, और इसके बाद हम फाइल को करेंगे क्लोज। और एज ब्लॉक में हम लिखेंगे अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम प्रिंट करवा देंगे कोई भी मैसेज लाइक सॉरी द फाइल डजंट एग्जिस्ट। ओके, से अब हम इसको रन करेंगे, फाइल का नेम दे रहे हैं, जैसे ये मेरे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो मेरे पास मैसेज आ गया सॉरी द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं दोबारा रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। मेरे पास एक फाइल टू डॉट टी एक्स टी नाम से एक फाइल पड़ी हुई है, तो अब हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करती थी और इस ब्लॉक में गया। तो चेक कर लेते हैं कि चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं, दिस इज़ ए प्रोग्राम। तो जैसे अगर मैं आपको थोड़े से चेंजेस करूँ बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, दिस इज ए प्रोग्राम, मैसेज चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, लिखता हूँ वी आर राइटिंग द कोड फॉर अ प्रॉब्लम। ओके, ये हमारा मैसेज रहेगा। और यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा इफ ब्लॉक चल रहा है। यस फाइल एग्जिस्ट, यू कैन राइट द डाटा। जैसे ही ब्लॉक चलेगा हमारा ये मैसेज प्रिंट होगा, यस फाइल एग्जिस्ट वाला। आफ्टर दैट एफ ओपन से यहाँ फाइल का नेम कॉमा, यहाँ पे मोड बताएगा वो। ओके, एंड यहाँ से राइट करेगा ये वाला डाटा एंड यहाँ फाइल हम क्लोज कर रहे हैं। तो मैं रन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं दूंगा फाइल, वेट अ मिनट, ओके वाई समथिंग हैपनिंग, इट इज नॉट टाइपिंग, ओके अगेन स्टार्ट कर देता हूँ। मैं दोबारा से प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, यहाँ मैं फाइल का नेम दूंगा फाइल टू डॉट टी एक्स जी। यस फाइल एग्जिस्ट, यू कैन राइट द डाटा, एंड हमने डाटा लिखा था एफ डॉट राइट फंक्शन के अंदर। सो अभी हम चेक करते हैं जाके।
फाइल टू डॉट टीएक्सटी यही थी अपनी प्रोग्राम, वी आर राइटिंग द कोड फॉर ए प्रॉब्लम। ओके गाइस, तो ये हमारा टास्क सॉल्व हो चुका है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। एंड एक प्रोग्राम के मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं, तो एक जैसे मैंने टास्क दिए थे कि फाइल चेक करो है या नहीं है, तो इसको हम एक्सेप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मोस्ट सिंपल और मतलब शॉर्टेस्ट प्रोग्राम बोलूँ तो इसी वे से हम कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।